अंबिकापुर में कलयुगी पिता ने अपनी 10 घंटे की मासूम को प्लास्टिक में बांधकर कुएं में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम झिरमिटी की है, जहां आरोपी यशवंतपुरी के घर चौथी संतान के रूप में बच्ची का जन्म हुआ, जिसे नाराज पिता ने देर रात मासूम को प्लास्टिक में बांधकर कुएं में फेंक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ में ही पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने मासूम की हत्या के मामले में कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर की और पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी महेंद्र पाल जी, बताइए क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दूं, उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झिमली का ये पूरा मामला है, जिसमें कलयुगी पिता ने 10 दिन जन्मे बच्ची को कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और मामले में पुलिस इसकी जांच कर रही है, वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, और जिससे गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है। ये एक निंदनीय घटना है, जो कलयुगी पिता ने अपने 10 वर्षीय बच्ची की मौत के हाथ उठाकर मृत्यु कर दी है। और बताया जा रहा है कि जसवंतपुरी की पूर्व में 3 बेटे और 1 बेटी संतान थी, ये चौथी संतान थी। जी महेंद्र पाल जी, मुझे ये बताइए गांव में कैसा माहौल है इस घटना के बाद। जी गांव में सनसनी का माहौल है, जिस तरह से कलयुगी पिता ने पुत्री की हत्या की है, और एक निंदनीय घटना है, जिससे पूरे गांव वाले नाराज हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कलयुगी पिता ने अपने 10 दिन के जन्मे बच्चे को मौत के हाथ उतार दिया है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूर्व में इनके 3 बच्चे, मतलब चौथी संतान थी, और पांचवी संतान को इसने मौत के घाट उतार दिया है। जी मुझे ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जी प्रशासन ने उनको गिरफ्त में ले लिया है, और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। जी महेंद्र पाल जी, आपके सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।